छत्तीसगढ़ में अचानक एक ऐसी अफवाह लोगों के बीच फैल गई जिसके कारण लोगों को घरों से बाहर निकलकर दुकानों पर वो चीज बड़े दामों के साथ खरीदनी पड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जिससे लोगों में इतनी हड़बड़ाहट देखने को मिली। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन में प्रदेश के मुख्य जिलों में 2 महीनों तक नमक न मिलने की अफवाह ने लोगों को परेशान कर दिया। लोग अपना सारा काम छोड़कर दुकानों पर नमक खरीदने के लिए चल पड़े। यही बात ये लोग खुद भी सुनते रहे और खुद ही अफवाह का माध्यम बनते हुए दूसरों को भी इसके बारे में बताते रहे। अचानक बाजार में आई इस हलचल को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी और सरकार भी हरकत में आई और लोगों को ये बात बताई गई कि राज्य की राशन की दुकान और बाजार में नमक पर्याप्त मात्रा में रखा गया है। राज्य के प्रमुख शहरों जैसे रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी और बालोद में दुकानों की जांच भी की गई और आम लोग देर शाम तक दुकानों में बढ़ी कीमतों पर नमक खरीदते रहे। रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने नमक डीलर्स के संस्थानों की जांच भी कराई। डूमरतराई, गुड़ियारी, गोल बाजार, लाखे नगर, पुरानी बस्ती इलाके में दुकानों की जांच की गई। बोरिया खुर्द और टाटीबंध इलाके में कई दुकानदारों के पास देर शाम तक लोगों की भीड़ नमक खरीदने आई, जिसने 50 रुपए पैकेट की दर पर चौरसिया कॉलोनी, गुड़ियारी की छोटी दुकानों पर नमक बेचे जाने की बात कही गई। राजनांदगांव में भी नमक वाली बात ने लोगों को परेशान कर दिया, जिसका फायदा उठाकर दुकानदारों ने बढ़ी कीमतों के साथ लोगों को खूब चुनाया। इस सब हंगामे के बाद सरकार ने बताया कि राज्य के लगभग 56 लाख राशन कार्ड धारकों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से नमक मुफ्त दिया जा रहा है। प्राइस मॉनिटरिंग, सेल बाजार में मिलने वाले नमक के स्टॉक और नमक की कीमत की जांच कर रही है और अधिकारी निगरानी रख रहे हैं। साथ ही लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। न्यूज डेस्क।